ग्रामीणों ने गांव में सफाई के लेकर लबाद लोगों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मी गांव में नहीं आते हैं सफाई करने। वहीं पेड़ कटाई का मामला गर्माए पक्ष विपक्ष में तू मैं। ग्राम एरिया में पेड़ कटने पर हंगामा, साथ ही सफाई कर्मी को लेकर किया प्रदर्शन। पूरा मामला सदर ब्लॉक एरिया गांव का, जहां पर शुक्रवार को पेड़ कटाई को लेकर हंगामा हुआ। लोगों को आरोप था कि ग्राम प्रधान ने पेड़ों की कटाई की है, जिसकी शिकायत उन्होंने इसकी लिखित शिकायत ग्राम विकास अधिकारी से की है। वहीं मामले को लेकर ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता कहना है कि पेड़ कटाई के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। पंचायत चुनाव के रंजिश को लेकर विपक्ष छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। पेड़ बारिश को पानी इकट्ठा हो जाने के कारण आ जाने के कारण पूरा तरह उखड़ चुका था, जिसमें लोग पशु बांधते थे। पास घर होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बन रहती थी, इसलिए मानव हित के देखते हुए पेड़ की कटाई की गई। साथ ही ग्रामीणों ने गांव में सफाई नहीं होने के लेकर आक्रोशित दिखे। ग्रामीणों का आरोप था कि सफाई कर्मी गांव में कभी नहीं आते हैं। जब इसके बारे में सफाई कर्मी को कहा जाता है तो सफाई कर्मी अपना पल्ला झाड़कर चले जाते हैं। लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। सुजीत कुमार चंदौली। ये बताएं, हम ग्राम प्रधान राजेश कुमार गुप्ता पहले ही। किस ब्लॉक के अंतर्गत है? सदर ब्लॉक। सर, अभी आपके गांव में हरे पेड़ की कटाई को लेकर ग्रामीण लंबवत थे, इसके बारे में बताएं। ये गलत बात है, ये आंधी और तूफान में गिर गया था, जो कि अभी फेसबुक और व्हाट्सएप लेखपाल तहसीलदार के यहाँ गया है। उसका रिपोर्ट भी जिसके मकान पे गिरा है, वो रिपोर्ट रील लेखपाल द्वारा लगाया गया है कि मेरा मकान गिर गया है, इस पेड़ को हटवाइए। कई लोग मांग रहे थे, उस पेड़ को नहीं देने के कारण हमने कहा कि इसको कटवा कर हटवा दिया जाए। बाद में इस पेड़ का कहीं खिड़की कहीं दरवाजा हटा जाएगा, लगवाया जाएगा। किसी मतलब पेड़ कटाई की सूचना कहीं दिए थे संबंधित अधिकारी? नहीं, नहीं, पेड़ की कटाई हम लेखपाल के व्हाट्सएप पे भेज दिए, फेसबुक पे भेज दिए। एक साथ सर कितने पेड़ गिरे हैं? एक साथ आधी में 3-4 पेड़ गिर गए सर, यहाँ तो 6 पेड़ गिरा। नहीं, एक गलत बात। जो पेड़ गिरे तो पेड़ गए कहाँ? पेड़ उसको उठवा कर रखा गया है। कहाँ रखा गया? रखा गया मेरे यहाँ रखा गया। आप क्या रखा गया? जो आपने पेड़ कटवा करके अपने यहाँ रखा हुआ, तो उसकी सूचना आपने किसको दी? लेखपाल को दे दिए कि इसको पेड़ को हटवाया जाए। लेखपाल को हम व्हाट्सएप पर कह दिए, कह दिए कि इनका मकान गिर जाए। नहीं, आपने कटवा के आपने कटवा करके अपने यहाँ रखा, तो उसकी सूचना दिया कि नहीं किसी को? अरे पेड़ मैं कटवाया थोड़ा हूँ, पेड़ गिरा है उसको हटवाया। गिरे हुए पेड़ को आपने टुकड़े करवा के रखा होगा कि ऐसे रखा जाए? रास्ते में गिरेगा तो कहाँ रखा जाएगा, आप बताइए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब जो पेड़ गिरा था उसको, आप पहले बताइए, पेड़ जब गिरा है तो उसको कहाँ रखा जाएगा? रास्ते में तो हटाया जाएगा उसको। अरे तो टुकड़े करवा के आपने रखा है ना, रास्ता में हटेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, ये बताइए। लेकिन सर, ग्रामीणों का आरोप था कि आपने कटवाया। नहीं, ये गलत बात है, ये जो लगाया जा रहा है ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, फर्जी। इसको वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि व्हाट्सएप पर भेजा गया है और फेसबुक पर भी है। सर, आधे में एक साथ 4 पेड़ गिर गए? हाँ, सर ऐसा नहीं हो सकता, आधे में गिरा है। जाकर जिसका मकान है, जिसके मकान पर गिरा उसे पूछ लीजिए आप, उसका रिकॉर्डिंग भी है, देख लीजिए जिसके मकान है उस पर, देख लीजिए है कि नहीं है जिसका मकान। चाचा जी, आपका भगवान दास, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम है। आपका ब्लॉक कौन सा है? चंदौली। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि देख रहे हैं कि आप कितने कीचड़ में हम आते जाते हैं। मेरा घर बैठ गया 2 साल, तो आप क्यों बता रहे हैं गली में कीचड़ है और रास्ते में कीचड़ बता रहे हैं, तो सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं? नहीं, आप देख रहे हैं, आते जब रहते तो सफा रहता कि नहीं रहता? तो गली यहाँ स्कूल का पिछवाड़ा है। तो आपके कहने का मतलब कि सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता है? क्या नाम है सफाई कर्मी का? श्याम बिहारी। क्या नाम है भैया आपका? कैलाश। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? पहले ही के। क्या समस्या है? सब ये गली गुचड़ा में सब कीचड़ पुचड़ा पड़ा है, कटालाटी। सफाई कर्मी हमारे यहाँ कभी सफाई करने नहीं आते हैं। आप मतलब सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में आपने ग्राम प्रधान से कहा? जी हाँ। तो क्या बोलते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं कि जाइए उधर, समझिए हम नहीं कुछ बात करने वाले हैं। तो